हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा ब्रेकफास्ट, एक ऐसा नाश्ता जो सिर्फ आप 10 मिनट में बना सकते हैं और ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है। हेल्दी भी बहुत है और टेस्टी तो बहुत ही है। आप इसे ट्राई करेंगे तो अभी खुद पता चलेगा कि कितनी टेस्टी ये बनती है और सिर्फ 10 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स इसे बनाने में। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अंकुर वाले चना में मैंने अंकुर चना चने को धोकर फुला कर रात भर उसे पानी में डालकर फुला कर उसे एक एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट इस तरह के डब्बे में हमने चने को रख दिया। पानी अच्छी तरह से निकाल कर उसे 2 दिन में हमारा इस तरह का अंकुर निकल आया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने लिया है, 2 से 3 मिर्च हमने बारीक काट लिए, 1 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से हमने काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, मोटी भी नहीं है। एक छोटी सी मीडियम साइज की टमाटर को हमने इस तरह से काट लिया है। 1/2 कप हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। 1 या 2 अंडे मैं इसमें डालूंगी। थोड़ी सी मैंने कोरिएंडर लीफ को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हमने चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून और नमक स्वाद के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाती हूँ फटाफट अंडा चना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1/2 कप जो मस्टर्ड ऑयल ली थी इसे पैन में गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। चेक कर लेती हूँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। इसमें पहले हम ओनियन को, प्याज को डाल देते हैं। तरह से प्याज को हमें डाल देना है। थोड़ा सा प्याज हमारा भुन जाए, 1 से 2 बार हम इसे चला लेते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से हमारा प्याज जो है बहुत जल्दी भुन जाएगा। ये 1/2 से भी कम, 1/3 टीस्पून मैं नमक इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसमें, ये प्याज हमारा एक थोड़ा सा पक चुका है, अब मैं इसमें ये अदरक और हरी मिर्च को ऐड कर दूंगी। इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर ही इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें हम मैं फिर चने को भी डाल दूंगी। थोड़ा सा 1 मिनट तक हम इसे भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गए हैं, हमारा प्याज आप देख सकते हैं इस तरह का हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारे चने हैं उसे मैं ऐड कर देती हूँ इस तरह से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इस तरह से अच्छा से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक मैं 1/3 टीस्पून मैं डाली थी और उतना ही नमक मैं फिर से ऐड कर देती हूँ इसमें। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, आप बनाकर मेरी रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखिए कि आपको कैसी लगी, फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसे 1 मिनट हमें भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये जो दो अंडे मैं ली हूँ, 2 अंडे को इस तरह से फेंट लिया हमने, इसे हम इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसमें 3 भी अंडे डाल सकते हैं, मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। थोड़ी सी नमक मैं और ऐड करूँगी इसमें। और ये जो टमाटर हमने रखी है, टमाटर को भी मैं इसमें साथ में डाल देती हूँ। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ मैं ऐड कर रही हूँ, पूरी नहीं ऐड कर रही हूँ। बाद में लास्ट में मैं इसे गार्निशिंग करूँगी। इस तरह से हमें
मिक्स कर लेना है इसे। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। ये मैं बता रही हूँ आपको अंडा चना, आप इसमें और भी अंडे डाल सकते हैं, मैं अपने चने के हिसाब से सिर्फ दो अंडे डाल रही हूँ। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अंडा चना बन चुका है। इसमें जो मैंने चाट मसाला लिया था, गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा देखिए इस तरह से मिक्स करके हमने इसे मिक्स कर लिया है, ये हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये चाट मसाला जो मैंने ली है उसे ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे मिक्स करके गैस को ऑफ कर दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसे मिक्स कर लेने हैं। इस तरह से हो गया है हमारा ये। आप देख सकते हैं 10 मिनट में हमारा ये ब्रेकफास्ट बनकर हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। हमें इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे हैं। गैस मैं ऑफ कर देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। इसमें मैं ऊपर से तरह से कोरिएंडर लीव्स से गार्निशिंग कर देती हूँ। आप इसे इस तरह से सर्व कर सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स लास्ट में ऐड करके। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप भी फटाफट बनाइए और ब्रेकफास्ट में खाइए, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए। ये हेल्दी तो है ही, टेस्टी भी है। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।